भूषण ठाकुर जी को इस विपसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वे जुझारू हैं, निरंतर आपके बीच काम किए हैं, लगातार कार्य करने की पूरी बिना किसी मूल्यों और आदर्शों से समझौता किए बगैर भारत और भारतीयता को पूरी मजबूती के साथ आपके सामने रखने का जज्बा रखते हैं और गरीबों के साथ साथ यहाँ के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष करने का मादा रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, श्रीमान हरिभूषण ठाकुर जी को भारी मतों से विजयी बनाने के साथ साथ इस मधुबनी जनपद से जुड़े हुए भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों के जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन सबको भारी समर्थन देने की अपील करने के लिए मैं आज विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सब कमल चुनाव चिन्ह पर हरिभूषण ठाकुर जी को 7 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे कर रहा हूं। आप सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग इधर उधर, सभी लोग उस पार भी, विद्यालय के पीछे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी भीड़ खड़ी हो रखी है। आपके सामने तो मैदान ही छोटा पड़ गया है। इन सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो हरिभूषण ठाकुर को विधानसभा में जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये ताकत के खिलाफ लड़ने की ताकत जो आपका उमंग और उत्साह बता रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजे अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण सबको कहिए, एक बटन दबा करके उनको SMS करिए, मैसेज भेजिए कि NDA के प्रत्याशी जहां से लड़ रहे उनको चुनाव जिता करके बिहार विधानसभा में भेजिए, विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाइए। यही अपील करते नौजवान मधुबनी के साथ साथ अगर चाहता है कि मुझे श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है तो वहां जाकर के श्रीनगर में भी अपने लिए मकान बना सकता है। मोदी जी ने अधिकार आपको दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 3 तलाक की कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी, कांग्रेस का नेतृत्व उसके सामने नतमस्तक था, वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा के उस सदैव के लिए समाप्त कर दिया और कह दिया 3 तलाक नहीं चलेगा, भारत के संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को चलना पड़ेगा, भारत संविधान से चलेगा, भारत फतवों के माध्यम से नहीं चलेगा। और भाइयों बहनों, ये है राष्ट्रीयता का भाव, ये है राष्ट्रीयता का भाव। ये लोग जो आज रोजगार का झुंझुना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब इनकी सरकारें थी इनसे पूछना चाहिए तब इन्होंने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। और भाइयों बहनों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, गरीबों के हित के लिए जो सरकार कार्य कर सके, सुरक्षा का कार्य कर सके, आतंकवाद और नक्सलवाद का मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य जो सरकार कर सके, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो सरकार कार्य कर सके और सुरक्षा सबको उपलब्ध करा सके, राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ा सके, उसी पार्टी को सत्ता में बार बार आने का अधिकार होना चाहिए। और बिहार के अंदर जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उस पहचान के संकट से NDA की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने बिहार को भरा है। आज विकास और सुशासन का एक मॉडल बिहार खड़ा कर रहा है देश के अंदर। और भाइयों बहनों, बिहार की इस नई पहचान को हमें आगे लेकर के चलना है। मेरी हार्दिक इच्छा थी अयोध्या में जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे थे,
तब मेरी इच्छा थी कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई, मैं जानता हूं चाहते हुए भी हम लोग इस अवसर पर ये नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने देखा होगा, आपने एक एक कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखा है और हर व्यक्ति इस बारे में गौरव की अनुभूति करता है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर से प्रसन्न है ना? सभी लोग तैयार हैं? और कोरोना समाप्त होगा तो बिहार के लोगों को कार सेवा करने के लिए अयोध्या में आना है। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चला सकता, अब तो अयोध्या में आपका मेहमानों की तरह स्वागत होगा, क्योंकि जब आप अयोध्या पधारेंगे तो लोग किस रूप में स्वागत करेंगे कि ये मां सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से यही अपील किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, जब तक दवा और वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है